बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक्स की एक्सटेंशन है। हमने जैसे क्रेडिट मनी का पढ़ा, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी जो कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट या रवायती आलात थे उनके बारे में पढ़ा, तो आज हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी और ट्रांसफर ऑफ मनी के, और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी इसकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में से जो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो प्लास्टिक मनी के हम अक्सर टर्म सुनते हैं, ये एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड चूंकि ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और मनी का ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होते हैं, और ये भी क्रेडिट यानी कर्जे का ही एक तरीका कार है। तो ये क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और इसको कोई बैंक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है। इसके जो पोजेसर है, जो कार्ड होल्डर है, वो इसकी मदद से गुड्स और सर्विसेज अशिया और खिदमात परचेज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और चूंकि ये क्रेडिट कार्ड से हमें समझना चाहिए, इसकी पेमेंट फ़ौरन नहीं होती, ये क्रेडिट होता है, कर्जा होता है। इसकी पेमेंट जो है वो फौरी तौर पे नहीं होती, वो बाद में अदा करता है जिसने अशिया खरीदी होती है। तो जो भी कस्टमर जो है क्रेडिट कार्ड लेता है, उसको जिस बैंक से ले रहा है या जिस कंपनी से ले रहा है, वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ता है, अपना अकाउंट खुलवाता है, और कार्ड होल्डर को एक स्पेसिफिक लिमिट बता दी जाती है कि वो इस लिमिट में डेली परचेज कर सकता है। हर बैंक के लिहाज से और उस शख्स की इनकम और उसकी वर्थ के लिहाज से उसकी जो लिमिट है वो डिफ़र कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। और हर 30 डेज़ के बाद उसको जो 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो 30 दिनों में उसने परचेजिंग की होती हैं, उसका बिल बैंक भेजता है। अगर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये होती हैं कि अगर वो 30 दिन के अंदर उसकी पेमेंट कर दे, तो उसको कोई इंटरेस्ट या सूद नहीं देना पड़ता। अगर वो पेमेंट उस ड्यू डेट के अंदर, इस 1 मंथ के अंदर नहीं करता, तो उसको सूद देना पड़ता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक क्यों इशू करते हैं? बेसिकली वो क्रेडिट कार्ड होल्डर से, कस्टमर से, और जो स्टोर वाले जहाँ से परचेज की कार्य होते चीज़ें, उन दोनों से फीस लेता है, तो वो बैंक की इनकम होती है। लेकिन कुछ बैंक जो हैं वो फ्री ऑफ फी भी दे रहे हैं। इसमें अल्फला बैंक है जो कोई फीस नहीं लेता क्रेडिट कार्ड की, उसके एनुअल चार्जेस नहीं होते, ये एनुअल चार्जेस के तौर पे फीस लेते हैं, और कुछ बैंक्स की फ़ी नहीं है, लेकिन अक्सर बैंक्स जो हैं इसकी फ़ी लेते हैं दोनों पार्टी से, कस्टमर से भी और जिन स्टोर से परचेजिंग होती है उनसे भी। अब क्या क्रेडिट कार्ड सेफ होता है? जी, इसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और सिग्नेचर पैनल होता है, उसकी वजह से ये होने लाजमी है, इसकी वजह से ये सेफ होता है। तो जो दो मशहूर कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही हैं वो वीज़ा और मास्टर हैं, वो ज़्यादातर इशू कर रही हैं। तो ये दिस इज़ दी सैम्पल ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो हर जैसे हमने कहा कि 30 दिन की बैंक या जो भी इदारा इशू करता है उसमें अकाउंट होल्डर जो है वो अकाउंट खोलता है जिस शख्स ने कार्ड लेना है, और वो कार्ड के थ्रू परचेजिंग कर सकता है। इसके लिए उसके अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये उधार पे वो खरीदारी कर रहा होता है और इसकी पेमेंट उसने बाद में करनी होती है। अगर बैंक हर 30 डेज़ के बाद उसे बिल इशू करता है और उसको टाइम, अगर वो 1 माह के अंदर उसकी पेमेंट कर देता है, तो बैंक उसे इंटरेस्ट रेट नहीं लेता, लेकिन 1 माह से ज़्यादा अगर लगाएगा, पैसे नहीं देगा टाइमली, तो वो उसको जो है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इसका सिग्नेचर बॉक्स है, कस्टमर सर्विस नंबर है, एक्सपायरेशन डेट होती है, नेम है होता है इसमें, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो ये सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं इसको महफूज बनाते हैं। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लास्टिक मनी इज़ एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अगरचे दोनों प्लास्टिक मनी हैं, लेकिन डिफरेंट है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी जो ख़रीदारी होती है वो आपके अकाउंट में से नहीं हो रही होती, क्रेडिट आप ले रहे होते हैं, बैंक से कर्जा ले रहे होते हैं, लेकिन एटीएम कार्ड जो है वो आपके अपने अकाउंट का पैसा आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसको भी प्लास्टिक मनी कहा जाता है, और ये बिल्कुल ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं जैसे कैश कार्ड होता है।
जैसे हम कैश, इसीलिए इसको डेबिट कार्ड भी कहा जाता है कि जहां हम परचेजिंग करते हैं वहां हमने इसे पेमेंट की, वो कैश जो है हमारे अकाउंट से पे होता है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमारे अकाउंट से नहीं होती, उसके लिए अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू जो पेमेंट की जाती है उसकी डिडक्शन आपके अकाउंट से होती है। और एटीएम जो है वो मुखफ्फफ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का, और एटीएम कार्ड यूज़ किया जाता है कैश विथड्रॉ करने के लिए, बैंक से कैश विथड्रॉ करने के लिए, या मिनी स्टेटमेंट लेने के लिए, या मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो पेमेंट किसी और को करने के लिए। उसी बैंक की ब्रांच में भी आप कर सकते हैं, उस सेम बैंक में भी कर सकते हैं, सेम ब्रांच में भी कर सकते हैं, और किसी और बैंक में किसी और पर्सन को पे कर सकते हैं। फिर ये यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए भी यूज़ होता है और दूसरों को फंड्स पे करने के लिए भी यूज़ होता है। और सम टाइम कुछ बैंक्स अलाउ करें तो आप पैसे डिपॉजिट्स भी करा सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू। बिल्कुल, ये सम बैंक्स अलाउ करते हैं, सारे बैंक्स अलाउ नहीं करते। तो एटीएम कार्ड जब हम यूज़ करते हैं इसके लिए हमें पिन का वर्ड हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि पिन, तो पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एटीएम डालेंगे कार्ड मशीन में तो वो आपका पिन मांगता है, फिर उसके बाद फर्दर ट्रांजेक्शन होती है। तो एटीएम कार्ड की, हर एटीएम कार्ड की लिमिट होती है, हर बैंक और उसके अकाउंट की टाइप के लिहाज से लिमिट होती है। ये लिमिट 20,000 से 50,000 तक की होती है, जो कि पर डे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एटीएम कार्ड से ड्रॉ करवाए जा सकते हैं। तो एटीएम कार्ड से जो है हम थर्ड पार्टी को जो है फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आई लिंक और एम नेट के थ्रू जो मेंबर बैंक हैं जो यूनाइटेड होते हैं, यानी अगर हम, हमारा अकाउंट हबी बैंक में है तो यूबीएल या एमसीबी किसी और बैंक की मशीन से हम वो सेम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो के हमारे अपने बैंक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो वो जो बैंक्स आपस में लिंक होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उन्हीं पे ये मशीन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आई लिंक एंड एमनेट मेंबर बैंक्स, उन्हें कहा जाता है। ये आपस में बेसिकली जब आप एटीएम अपने बैंक से हटके किसी और मशीन पे यूज़ करते हैं, किसी और बैंक की ब्रांच पे यूज़ करते हैं, तो उस पे आपको चार्जेस, स्विच ओवर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो बेसिकली जो एम लिंक और आई नेट से कनेक्टेड होती हैं, एम नेट और आई लिंक से कनेक्टेड होती हैं जो मशीन, उन पे हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो स्विच ओवर फीस लेते हैं। आपका एक बैंक में अकाउंट है, आपका हबी बैंक में अकाउंट है, आपने नेशनल बैंक से पैसे ड्रॉ कराए, तो वो स्विच ओवर चार्जेस 17-18 रुपए के करीब होते हैं, हर बैंक के थोड़े बहुत डिफरेंट है, तो वो पे करने होते हैं। तो हर एटीएम कार्ड की लिमिट होती है, उस लिमिट के कुल ही पैसे ड्रॉ कराए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक दिन में ड्रॉ नहीं करवाए जा सकते। अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। अब नेक्स्ट टाइप इज ऑनलाइन बैंकिंग। दिस इज वेरी मच, ऑनलाइन बैंकिंग ने तो बैंकिंग को बहुत फास्ट कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी जो कस्टमर्स को मिल गई है, जस्ट ऑन वन टैप और एक क्लिक पे आपकी बैंक आपके साथ चल रहा होता है, आपने पेमेंट करनी है, जस्ट ओपन योर लैपटॉप, आप डेस्कटॉप पे करें, लैपटॉप पे करें, मोबाइल पे, मोबाइल ऐप इंस्टॉल की होती है, और फौरी तौर पे ट्रांजैक्शन ऑफ फंड जो है वो हो जाती है, आपको बैलेंस की मालूमात मिल जाती है, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो जाती है, या आप थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये राउंड द क्लॉक 24/7 सर्विस अवेलेबल होती है, यानी किसी लम्हा भी स्टॉप नहीं करती। जिन पेमेंट्स के लिए आपको लाइनों में लगने के लिए, चेक ड्रॉ कराने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, जिसमें काफ़ी टाइम रिक्वायर होता था कि जी बैंकिंग आवर्स अभी ख़त्म हो गए हैं, पेमेंट आज नहीं हो सकती कल होगी, अब वो चीज़ ख़त्म, ना बैंकिंग आवर्स का इसमें तसव्वुर रहा, ना बैंक बंद होने का, आपका बैंक हर वक्त खुला है, यू कैन मेक एनी पेमेंट एट एनी टाइम विद वन क्लिक और वन टैप। और ऑनलाइन बैंकिंग ने जो है बेसिकली ये कैसे वर्क करती है, ये इंटरनेट के थ्रू वर्क करती है, इसने इंटरनेट को एज ए डिलीवरी चैनल जो है या अपनी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करती है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ ने अपने फंड्स को मैनेज करना जो है, अकाउंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना आसान बना दिया है।
और जो पेपर मनी और टाइम कंज्यूमिंग था अकाउंट्स की, आप रजिस्टर में एंटर करें और लंबा प्रोसीजर करें, लाइनों में लगे, अकाउंट की एंट्री होगी, तो बहुत सारी चीज़ें, जस्ट इतना वैल्यू एडेड इस चीज़ को बना दिया है बैंकिंग को, ऑनलाइन बैंकिंग ने, कि आपका हर चीज़ फोरी फोरी हुए चली जाती है और कोई रुकावट जो है ना पेमेंट्स में आती है ना रिसीट्स में आती है। ट्रांजेक्शन जो है वो फोरी फोरी होती है। और इस जो है इंटरनेट बैंकिंग ने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया है। ये टेलर ट्रांजेक्शन जो है, जो टेलर ट्रांजेक्शन है, इसने पेपर मनी पे डिपेंडेंस कम कर दी है। यू जस्ट टैप एंड पे, इंटरनेट को यूज़ किया, टैप एंड पे, और हर वक्त यू आर हैविंग योर बैंक इन योर हैंड्स। ये इस ऑनलाइन बैंकिंग ने आपके बैंक को आप हाथ में लेके चल रहे होते हैं। आपका मोबाइल हाथ में है या लैपटॉप हाथ में है या टैब हाथ में है, तो आपका बैंक हर वक्त आपके साथ है 24/7। आपको कोई बैंकिंग आज की कैद नहीं है। हर वक्त इसमें आप जो भी काम करना चाहें, अकाउंट से मुतलिक मालूमात है, बिल अदा करने हैं, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, कहीं पे शॉपिंग करनी है, कहीं पे शॉपिंग की पेमेंट करनी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है वक्त की या किसी भी चीज़ की, स्वाय अकाउंट पे पैसे होने चाहिए, तो आप इसको फोरी फोरी तौर पे कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से बैंकिंग जो है वो कन्वीनियंट हो गई है, कि आपने बैंकिंग आज की कैद नहीं रही, राउंड द क्लॉक 24/7 आपको अवेलेबल होती है सहूलत। इतना कन्वीनियंट हो गया कि यू आर ऑन योर बेड और आप पेमेंट फोरी फोरी कर रहे होते हैं। फिर ये ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है, लेन देन की रफ्तार जो है, वो बहुत क्विक हो गई है। आप सेकंड्स में, विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो पेमेंट, इधर से हमने मोबाइल पे टैप किया जी, उधर से पेमेंट रिसीव का मैसेज आ जाता है साथ ही दूसरे बंदे से, जी आप पेमेंट रिसीव हो गई। तो इसकी, इस ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसने बैंक की जो इस्तादेकार है, उन्हीं लोगों के साथ, उसी अमले के साथ ज़्यादा कारकर्दगी वो शो कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, मोर इफेक्टिव हो गया हर चीज़, और इफेक्टिवनेस जो है इसकी बढ़ गई है। आप इंटरनेट को एक सोफिस्टिकेटेड टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उससे पेमेंट्स और रसीड्स की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है, और हर कोई अपना पोर्टफोलियो यानी जो उसके पास एसेट्स होते हैं उनको आसानी से मैनेज कर सकता है, फौरी तौर पर पे कर सकता है। तो दिस वॉज आवर थर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का, क्रेडिट मनी का। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज मेल ट्रांसफर। मेल ट्रांसफर या इसको एमटीबी कहा जाता है, ये एज ए टूल यूज होता है मनी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। एक कस्टमर एप्लीकेशन देता है बैंक में कि ये पैसे मुझे मुंतकिल करने हैं, तो बैंक उसमें ज़रूरी प्रिकॉशंस लेता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है, और एडवाइस इनवाइस की सूरत में फंड जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यूजुअली ये बैंक जो है वो अपनी इंटरनल ट्रांजेक्शन बैंकों की आपस की पेमेंट्स के लिए करता है, आम ग्राहकों के लिए ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड टूल है, क्विक ट्रांसफ़र का एक जरिया है। नेक्स्ट कम्स टू द टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। ये ज़्यादातर मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क से भी रेमिटेंस भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सबसे बहुत क्विक मेथड समझा जाता है, जस्ट मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। इसके लिए टेस्टेड मैसेजेस होते हैं, टीटी एडवाइसेस इसे कहते हैं, और जो जिस ब्रांच से पेमेंट हो रही होती है उसके लिए आउटवर्ड टेस्ट होता है, और जो पेमेंट, जो ब्रांच पेमेंट रिसीव कर रही होती है उसके लिए ये इनवर्ड मैसेज होता है, और इन मैसेजेस के थ्रू जो है वो रकम जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। और ये टेस्टेड मैसेजेस दे आर प्रिंटेड थ्रू हेड ऑफिस ऑफ द कंसर्न ब्रांच, उसका हेड ऑफिस जो है उसको प्रिंट करता है, और हर ब्रांच का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको अलॉट किया हुआ होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है, इसने ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है, नहायत महफूज और आसान तरीका समझा जाता है। इसमें कैसे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इनवर्ड और टेस्ट मैसेजेस के थ्रू जो ब्रांच पे कर रही है उसके लिए मैसेज आउटवर्ड होता है, और वसूल करने वाली ब्रांच के लिए इनवर्ड मैसेज होता है। तो ये तो थे हमारे मॉडर्न टूल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट मनी, कौन कौन से हैं। इसमें हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड है,
वो भी प्लास्टिक मनी। इसके लिए आपके अकाउंट से पैसे यूज नहीं होते, यूपीआई द लेटर और एटीएम कार्ड जिसमें आपके बैंक अंदर जो पैसे होते हैं उसके अंदर से इस्तेमाल होते हैं। फिर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि इसमें जो पेमेंट, इसमें भी अनलिमिटेड पेमेंट डेली बेसिस पे नहीं की जा सकती, इसकी भी लिमिट होती है कि कितने पैसे आप डेली यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट में से। फिर उसके बाद हमने किया मेल ट्रांसफर। मेल ट्रांसफर बैंकों की अंदरूनी जो है एडवाइस इनवाइस के थ्रू ट्रांसफर होता है। फिर टीटी या टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये इनवर्ड और आउटवर्ड मैसेजेस के थ्रू, टेस्ट मैसेजेस के थ्रू रकम तरसील होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कि क्रेडिट मनी, इसके क्या फायदे हैं, ये क्यों इतना पॉपुलर हो गया है। सबसे पहले तो इकोनॉमी ऑफ द मेटालिक मनी या धाती जर की बचत। क्रेडिट मनी जब इस्तेमाल नहीं होता था, मेटालिक कॉइन्स होते थे, उनको मिंट करना पड़ता था, उसकी सिक्कासाजी की जाती थी जिसपे काफी कॉस्ट आती थी। तो उस कॉस्ट की अब बचत हो गई है, आपका इवन पेपर भी यूज नहीं हो रहा था, जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ माउस के साथ आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये हमारी मेटल्स की जो बचत है, धातु जर की बचत है, वो इसकी वजह से पॉसिबल हुई है। फिर हमारा ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत तेज हो गई है इसकी वजह से, कि लोगों को कर्जा भी मिल जाता है और किसी की पेमेंट करनी है वो फौरी फौरी हो जाती है, ना चेक ड्रॉ कराने की या बैंकिंग आज का कोई मसला नहीं होता, हर वक्त आपका बैंक आपके लिए खुला है। तो इस पेमेंट की वजह से बिजनेस जो है वो काफी ट्रेड जो है वो काफी बढ़ गई है। इसी तरह बिजनेस जो है इसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है, पेमेंट जो है वास्ट हो गई, क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जब पैसे चीजें मंगवाते हैं वो हुंडी रिसीव करते हैं और उधार मंगवा लिया और उसकी पेमेंट बाद आसानी से हो जाती है और लोगों को पता होता है कि बैंक अकाउंट के थ्रू फौरन पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह कारोबार भी जो है वो वास्ट हो गए हैं, वसी हो गए हैं। फिर फौरन पेमेंट जब गैर मुल्की अदायगियाँ करनी होती है, फौरन बिल ऑफ एक्सचेंज उसके लिए बनता है या गैर मुल्की हुंडी बनती है, तो वो भी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू उसकी पेमेंट भी बहुत आसान हो गई है। फिर सेविंग हैबिट्स लोगों में डेवलप हो गई है, बचत की आदत, क्योंकि लोगों को पता होता है जितना पैसा वो बचाएंगे वो आगे इन्वेस्ट करेंगे, बैंकों में रखेंगे, उससे कारोबार में लगेगा और वो प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो इस तरह बचत की आदत जो है वो लोगों में फ़रोग पा गई है। फिर जो लोगों के पास पहले बिजनेस की एबिलिटीज अगर हो, उनके पास पैसा ना हो, तो वो कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन इस क्रेडिट मनी की वजह से लोन की फैसिलिटी उन्हें मिल जाती है और वो इन्वेस्टमेंट करने का उन्हें मौका मिल जाता है और उनकी सलाहियतों से भी फायदा उठाया जा सकता है। फिर सेंट्रल बैंक जो है, ये प्राइस स्टेबिलिटी, अगर मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाए, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन फैल जाता है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी फैल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो अब उसके लिए ये जो क्रेडिट मनी है इसको कंट्रोल करना जो है मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू बहुत आसान होता है, ये डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया जाता है। तो इस तरह बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी को क्रेडिट मनी के लिए इस्तेमाल करना आसान हो गया। इस तरह प्राइसेस जो है, कीमतें जो है, उनके उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर पब्लिक डेट या गवर्नमेंट जो कर्जा लेती है, वो भी लोगों के पैसा गवर्नमेंट कर्जा ले रही होती है, तो गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू बोरो करती है। इस वजह से, क्रेडिट मनी की वजह से पैसा जो है वो बैंक के पास आ जाता है, लोगों के हाथों में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जस्ट वो क्लिक पे जस्ट एंट्रीज हो रही होती हैं और पैसा कैश जो है वो बैंकों के पास होता है, इससे गवर्नमेंट को बोरो करने में मदद मिल जाती है। तो ये मेरिट्स ऑफ क्रेडिट मनी या एतबारी सर के फायदे जो हैं कि धाती सर की बचत होती है, हमारा मेटालिक जो मेटल्स हैं वो इकोनोमाइज हो जाती हैं, ट्रेड बिजनेस बढ़ता है, कारोबार वसी होते हैं, फ़ौरन पेमेंट्स या गैर मुल्की अदायगियों में सहूलत होती है, लोगों को सेविंग की हैबिट डेवलप होती है, फिर बिजनेस एबिलिटीज जो हैं वो यूज़ करने का मौका मिलता है, कीमतें मुस्तकम रहती हैं और गवर्नमेंट को कर्जे की सहूलत मिल जाती है। लेकिन इतनी सारी सहूलियात के साथ कुछ कुछ इसके नुकसान भी हैं, इतबारी सर के कुछ नुकसान भी हैं या डीमेरिट्स हैं। इससे ये है कि एक्सेसिव इशू हो जाता है मनी, इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है।
आप मनी सप्लाई जब तक मेटल्स में था तो वो तो जितनी मेटल्स की क्वांटिटी उतना ही जारी होना है, तो बस का गवर्नमेंट जो है एक्सेसिव मनी प्रिंट कर लेती है, या मुख्य प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए होता है उसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की, तो क्रेडिट मनी की दौलत जो है वो इसकी बेस पे गवर्नमेंट बगैर गारंटी के नोट छाप लेती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। फिर जिसके पास इससे कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को पता है कि पे शॉपिंग करने गए हैं, पैसे पॉकेट में नहीं है, नहीं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जी पे कर देंगे, लोगों को वो क्रेडिट कार्ड की बेस पे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो जेब पे कंट्रोल जस्ट कैश होता तो वो कंट्रोल हो जाता, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की वजह से यूजुअली लोगों का अखराजात जो है वो ज्यादा कर लेती है, इस तरह समटाइम वो कर्जा उन पे ज्यादा चढ़ जाता है और उसकी अदायगी मुश्किल हो जाती है। फिर जब बैंकों के पास पैसा होता है कर्जा देते हैं आगे, तो कुछ ऐसे लोग भी अमूमन कर्जा ले लेते हैं जिनकी कारोबारी सलाहियतें उतनी अच्छी नहीं होती, नाहल होते हैं, तो इस तरह वो कारोबार के लिए कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन नुकसान खुद भी उठाते हैं और मुल्क का भी नुकसान होता है। फिर इसकी वजह से स्पेकुलेशन का एक ट्रेंड बढ़ जाता है कि लोग कर्जा लेके उसको स्पेकुलेशन में सट्टाबाजी में लगाते हैं, तो इस तरह सट्टाबाजी क्या होती है कि उस वक्त चीज़ों को खरीदना जब उनकी कीमतें कम हों और उस वक्त बेचना जब कीमतें बढ़ जाएं, तो लोगों ने बैंकों से पैसा उधार लिया और जब कीमतें गिरी हो उधर से लोन लिया वो चीज़ें खरीद ली, तो इस तरह मुल्क की मार्केट में वो चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, कीमतें चढ़ती हैं और वो तब बेचते हैं, तो ये सट्टाबाजी या स्पेकुलेशन जो है ये गलत रुझान डिवेलप हो जाता है। फिर बैंकों से लोन्स जो हैं उन्हीं लोगों के को मिलते हैं जिनकी साख मजबूत होती है, वो स्ट्रांग बेस वाले होते हैं या बड़े कारोबार होते हैं, बैंकों को पता होता है कि ये अदायगी कर सकेंगे, तो इस तरह वही लोग जिनकी पहले ही मजबूत साख होती है या जिनकी बेस स्ट्रांग होती वही कर्जे लेते हैं, वही कारोबार बढ़ाते चले जाते हैं और उन्हीं की मोनोपलीज या इजारादारियाँ कायम होती चली जाती हैं और दूसरे लोग कारोबार में नहीं आ सकते, इस तरह इकोनॉमी को नुकसान पहुँचता है। तो आज के लिए बच्चों काफ़ी है ये इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मनी सप्लाई की तरफ जाएंगे, तो आज जो बेसिकली हमने पढ़ा है द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी और इसकी ट्रांसफ़र कैसे होता है वो किया है, उसमें हमने क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, एमटी और टीडी पढ़ा, फिर हमने इसके क्रेडिट मनी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस किए, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।